नमस्कार, आप देख रहे मंथन और मैं हूं मनीष शर्मा। राजस्थान में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने पेपर लीक में कई सरगनाओं के बाद ताजा कार्रवाई में पेपर लीक के गुरु को गिरफ्तार किया है। 41 साल के जगदीश विश्नोई से जो खुलासे हुए हैं उनमें बड़े अहम जानकारियां निकल कर आई हैं। बताया जा रहा है कि राजस्थान में 2005 से कई परीक्षाओं के पेपर लीक को अंजाम दे चुका है जगदीश विश्नोई। हर लीक के बाद बचने के लिए प्रदेश के बाहर दिल्ली और दूसरे राज्यों का रुख कर लेता था, वहां फरार हो जाता था। एसओजी से पूछताछ में उसने पेपर लीक के पैटर्न का भी खुलासा किया है। बताया है कि पहले उसकी गैंग प्रिंटिंग प्रेस से पेपर चुराती थी, लेकिन प्रेस में जब सख्ती बढ़ी तो फिर एग्जाम स्ट्रांग रूम में ही सेटिंग बिठा ली, वहां से मोटी रकम के जरिए पेपर लीक को अंजाम देने लगे। पेपर लीक के इस आपराधिक बिजनेस में वो टीचर राजेंद्र यादव से 2010 से जुड़ा हुआ है, जो हाल ही में पकड़ा गया है। एसओजी की ताजा कार्रवाई में राजेंद्र के पास से 15 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का पता लगा है। वहीं उसके सहयोगी, राजेंद्र के सहयोगी पटवारी हर्षवर्धन मीणा भी करोड़ों का मालिक निकला है। जैसे जैसे एसओजी की जांच और छापेमारी आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे प्रदेश भर में लाइनमैन, पटवारी, शिक्षक से लेकर पुलिसकर्मी और आरपीएससी तक संगठित रूप से पेपर लीक के तार जुड़े होने का अब खुलासा होने लगा है। दशकों पुराना ये संगठित एक तरह से गए अपराध चल रहा है। खास बात यह है कि सिस्टम के भीतर बैठे कर्मचारियों के कारण ही पेपर लीक के मास्टरमाइंड्स राजस्थान में तैयार हो पाए। पेपर लीक के आपराधिक गठजोड़ और सजा पर हम करेंगे मंथन। पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाएंगे, हमारे साथ एक खास पैनल में मौजूद होगा। ये आपके सामने ग्राफिक्स, पेपर लीक का गुरु गिरफ्तार। 19 साल से ये खेल चल रहा है पेपर लीक का, जगदीश विश्नोई के जरिए। उसका कहना है 2005 से, याद रखिए 2005 बीजेपी सरकार थी, 2008 में कांग्रेस की सरकार आई, फिर बीजेपी सरकार, फिर कांग्रेस सरकार आई, यानी दोनों ही पार्टियों की सरकारों में ये सक्रिय रहा, इसका गैंग सक्रिय रहा। और जिस तरह से अक्सर कांग्रेस पर आरोप लगा रही बीजेपी, लेकिन बीजेपी सरकार में भी ये गिरोह सक्रिय था। जिस तरह से अभी जो गिरफ्तार हुआ है जगदीश विश्नोई, उसने कहा है पहले प्रिंटिंग प्रेस से पेपर चुराते थे, सख्ती हुई तो स्ट्रांग रूप का रुख कर लिया, करोड़ों रुपए की संपत्ति इन्होंने खड़ी की है। हर्षवर्धन मीणा के पास करीब करीब 6 करोड़ की संपत्ति। गिरफ्तारियां किसमें कितनी हुई ये देख लीजिए। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में 3, रीट भर्ती परीक्षा में 23 गिरफ्तारियां हुई हैं और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में 14 गिरफ्तारियां हुई हैं। जूनियर इंजीनियरिंग परीक्षा में 10 गिरफ्तारियां हुई अब तक और पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में 3 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं। कुल मिलाकर करीब करीब रीट भर्ती में 38 गिरफ्तारियां हुई हैं और लगातार इनका सिलसिला जारी है। इनमें लाइनमैन, टीचर, पुलिसकर्मी से लेके आरपीएससी का सदस्य बाबूलाल कटारा तक शामिल हैं। अब जयपुर, भरतपुर और दौसा में जो छापेमारी हुई है उसमें नए खुलासे आए हैं। जो एक और इसमें पता लगा है कि एक और मास्टरमाइंड है जो भांबू, वो अभी फिलहाल विदेश भाग गया है। उसको पकड़ने की कोशिश, यूनिक भांबू जिसका नाम है, उसको पकड़ने की कोशिश है। अब ये कर्मचारी जिनके लिस्ट आपके सामने, ये अलग अलग परीक्षाओं में शामिल रहे, पंचायती राज विभाग के कर्मचारी, रीट में, लीक में शामिल थे। बाबूलाल कटारा ड्राइवर, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में शामिल थे, रीट परीक्षा 2021, कांस्टेबल भर्ती, जेएन भर्ती में पुलिसकर्मी शामिल थे और जेएन भर्ती में लाइनमैन भी शामिल था। तो एक तरह से कहें कि पूरा सिस्टम इस आपराधिक नेक्सस का हिस्सा रहा है। और पेपर लीक के आरोपी बर्खास्त क्यों नहीं हो रहा, ये बड़ी बात है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि दोषी होते हैं जो कर्मचारी, वो कार्रवाई पर स्टे ले आते हैं और वेतन भी उनको मिल रहा है, 50% तक वेतन मिलता है जांच अवधि के 90 दिनों तक। विभागों की नज़र में अभी आरोपी ही कहे जाते हैं आरोपी, और जब दोष होता है तो कर्मचारी विभागीय कार्रवाई पर कोर्ट का स्टे ले आते हैं। ये भी एक बड़ी चुनौती आ रही है एसओजी के सामने, और इसलिए अब एसओजी ने कहा है समस्त विभागों को कि वो बताएं किस तरह से इन पर जल्दी से कार्रवाई हो सकती है और क्या जांच की गई और क्या कार्रवाई हुई है, उसका भी ब्यौरा एसओजी ने विभागों से मांगना शुरू किया। एक स्पेशल पैनल हमारे साथ होगा अगले आधे घंटे। बीआर ग्वाला, पूर्व आईपीएस है राजस्थान पुलिस से, हरेंद्र शर्मा गुदैनिया, छात्र नेता हमारे साथ जुड़ेंगे, और आशुतोष श्रीवास्तव सुप्रीम कोर्ट के लॉयर मौजूद होंगे। आशुतोष जी, बहुत स्वागत आपका। ग्वाला साहब,
और हरेंद्र आपका भी बहुत शुक्रिया। ग्वाला साहब आपका रुख करेंगे, सबसे पहले पेपर लीक का गुरु गिरफ्तार हुआ एक तरह से कहें, 41 साल का विश्नोई, ये जगदीश विश्नोई कह रहा है 2005 से वो पेपर लीक को अंजाम दे रहा है राजस्थान में। इस करीब करीब दो दशकों में दोनों पार्टियों की सरकारें रह चुकी हैं और जो खुलासे हुए और जो आरोपी पकड़े जा रहे हैं उनमें लाइनमैन से लेकर, एक छोटे लाइनमैन से लेकर पटवारी, शिक्षक और आरपीएससी के सदस्य तक शामिल हैं। एक पूरी तरह से सिस्टम के पैरेलल एक सिस्टम खड़ा किया सिस्टम के लोगों ने और उन्होंने इन मास्टरमाइंड को एक तरह से कहें पनपाया राजस्थान में। गिरफ्तारियां निश्चित रूप से हो रही हैं, अब इंतजार है बड़ी कार्रवाई का, सजा का, जो विभागों से फिलहाल हो रही है लेकिन कोर्ट उन पर कोर्ट से स्टे ले आते हैं, दोषी ये कहना है विभागों का। आपको क्या लगता है पूरा पेपर लीक का नेक्सस कहां खड़ा है, क्या ये पूरी तरह से टूट चुका है या अभी भी बड़ी मछलियां जो सिस्टम के भीतर है वो पकड़ी जानी बाकी हैं? मेरा तो ये सोच है कि ये जो नेक्सस है ये बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइज क्राइम है और ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर जो लोग ये कार्रवाई राजस्थान में कर रहे हैं और काफी लंबे से 2010 से नहीं, मुझे मेरे ज्ञान में 1999 से भी है, जब भी आरपीएससी में एसपी जब अजमेर था तो उस वक्त भी आरएस के पेपर लीक हुए थे और एक बहुत बड़ा गैंग निकला गया था। दुर्भाग्य इस बात का है कि इस पॉइंट पर शुरू से ही जो एक नीति रही है वो कोई ज़्यादा कठोर नीति नहीं रही, पहले नकल से करते थे, अब दूसरा तरीका ये हो गया जैसे आपने कहा स्ट्रांग रूप से पेपर निकाल करके एक बहुत बड़ा नेक्सस तैयार किया गया। उदयपुर में जब पकड़े गए तो बस में नकल कराते हुए पूरी पुलिस ने टीम उन लोगों को पकड़ा। राजस्थान के अंदर ऐसे बड़े बड़े कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ यहाँ इस टाइप के जो क्रिमिनल्स हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा एक्सपर्टीज डेवलप कर लिया, अपना नेक्सस डेवलप कर लिया और सब जगह अपने कनेक्शंस कर लिए। उस वजह से लाखों बच्चों के साथ जो खिलवाड़ हुआ वो एक बहुत दुर्भाग्य की बात है और राजस्थान के लिए विशेष तौर से कि बदनामी भी हुई। इसमें सरकार का सवाल नहीं है, ये क्रिमिनल्स किसी पार्टी से नहीं है, इनका केवल और केवल काम ये है कि पैसा कमाना और लोगों को ठगी करना। तो मेरा ये सोच है इस बारे में जो कानून बना है वह हालांकि काफ़ी कठोर है, पर आपने जैसा कहा कि ये जो पकड़े जाते हैं उसके बाद ज्यादातर उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं जो इनसे मिले हुए हैं और उनके खिलाफ विभाग की कार्रवाई में बहुत विलंब होता है या कार्रवाई के अंदर जो है स्टे लेकर के वो रोक लेते हैं। मेरा तो ये सोच है कि इसमें बहुत त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए और कानून के अंदर ये प्रावधान होना चाहिए, अगर एक बार आदमी पकड़ा जाता है तो जो हमारे सिविल जो लॉज हैं, जो हमारे डिसिप्लिन एक्शंस के जो लॉज हैं उसके अंदर ही उनको 19(2) के अंदर बिना सुने, बिना कार्रवाई किए, बिना डिसिप्लिन एक्शन का पूरा प्रोसीजर किए उनको नौकरी से निकाला जाना चाहिए और उसके बाद जब उसका कोई निर्णय होता है, क्योंकि इसका लंबा चलता है, 10 साल तक इसका कोई फैसला ही नहीं होता। मैंने आज तक नहीं देखा कि इन क्रिमिनल्स के खिलाफ कोई अंतोगत्वा कोई बहुत बड़ी सजा हुई हो, इनका कोई परिणति केस की पूर्ण हुई हो, तो इस बारे में बहुत सोच की जरूरत है। दूसरा जो आजकल सबसे बड़ी बात है जैसे कोफा में या एनडीपीएस एक्ट के अंदर प्रॉपर्टी सीज होती है, वैसे ही लॉ में प्रावधान होना चाहिए कि इस प्रकार इन लोगों की जो प्रॉपर्टी इलगोटन मनी है, जो इजी मनी लेते हैं और जो नौकरी लगने के बाद या पेपर लीक आउट होने के बाद जो भी पैसा कमाया, जमीनें ली, मकान बनाए या और प्रॉपर्टीज ली, वो कम्प्लीटली प्रॉपर्टी को तोड़ो मत, उनको कॉन्फिस्केट करो, उनको जब्त करो और सरकारी खजाने में जमा करो, यही मेरा सोच है। बिल्कुल, अब स्ट्रिंजेंट एक्शन की ज़रूरत है निश्चित रूप से, जो देखा जा रहा है खासतौर पर, हालांकि कानून सख्त ज़रूर किया गया है लेकिन मौजूदा जो जांच चल रही है उसमें सख्त कार्रवाई कब होगी इसी का इंतजार है। आशुतोष जी मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने तो काफ़ी मामले इस तरह के क्रिमिनल मामले डील करते हैं और सबसे बड़ा सवाल मेरा आपसे ये होगा आशुतोष जी, अब तो राजनेताओं के लिए भी लोअर कोर्ट से अगर वो कन्विक्शन हो जाए, उनका कन्विक्ट हो जाए तो उनकी विधायकीय सांसदी चली जाती है, लेकिन सिस्टम के भीतर बैठे लोग जो विभागीय जांच में दोषी पाए जाएं उसके बावजूद वो कोर्ट से स्टे ले आते हैं, ना सिर्फ बर्खास्त हो रहे बल्कि तनख्वाह भी उठाते हैं वो, और लाखों लोगों से जबकि पता चल चुका है कि सिस्टम के भीतर के लोग पेपर लीक करा रहे हैं, एक बड़ा पूरी तरह से कोऑर्डिनेटेड नेक्सस है जिसको खड़ा किया गया है राजस्थान जैसे स्टेट में खासतौर पर, उसके बावजूद जिस तरह से ग्वाला साहब से मैं पूछ रहा था वो भी इस बात से सहमत है कि बड़ी मछलियां तक कभी पहुंच नहीं पाते हैं क्योंकि विभागीय कार्रवाई इतनी लंबी चलती है और किसी एक सरकार का मसला नहीं है, हर सरकार में इस तरह की विभागीय कार्रवाइयां देरी से होती हैं।
आपका क्या मानना है, इन केसेस को किस तरह से फास्ट ट्रैक किया जा सकता है? क्योंकि ये जो पकड़े जा रहे हैं एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं तो सिम्टम है, बड़ी डिजीज तो बाकी उसको ठीक करना। देखिए आशुतोष जी, आपका आपका माफ कीजिएगा, आपका ऑडियो शायद फिक्स कराने की कोशिश करेंगे, ऑडियो में थोड़ा डिस्टरबेंस है, एक बार फिक्स करा के वापस लौटेंगे आपके पास। मैं इतने इस बीच हरेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं, छात्र नेता है। हरेंद्र, जो कार्रवाई फिलहाल एसओजी की चल रही है, किस तरह से, कितने संतुष्ट हैं आप? और जो कहा गया है कि बड़ी मछलियां फिलहाल पकड़ से दूर है, आपको क्या लगता है? क्योंकि आरपीएससी सदस्य तक बाबूलाल कटारा तक पर केस दर्ज है, आपको लगता है जो बड़े खुलासे फिलहाल हो रहे हैं, किस तरह से करोड़ों की प्रॉपर्टीज खड़ी की है इन मास्टरमाइंड्स ने, कुछ बाहर भाग चुके हैं, कुछ पकड़े जा रहे हैं, एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, आपको लग रहा है एसओजी ने कहीं ना कहीं एक एक शिकंजा कस लिया है और अब पेपर लीक जैसी घटनाएं राजस्थान में अब नहीं हो पाएंगी? जी सर, राजस्थान के अंदर 2005 से जिन भर्तियों में दोनों ही सरकारों के बीच में काफी हद तक पेपर लीक हुए हैं दोनों ही सरकारों में, और जो आरोपी अब तक जो गिरफ्त रहे हैं, गिरफ्तारी जिन आरोपियों की रही है, जैसे अपना जो जगदीश बिश्नोई, जिसकी गिरफ्तारी 11 बार हुई और 11 बार ही यह अधिकारियों और नेताओं के मिली भगत से इसकी गिरफ्तारी 11 बार होते हुए भी इसको छोड़ा गया। तो इन चीजों से क्या है सर के अधिकारियों और पुलिस की इससे गिरफ्त से जब छोड़ा गया तो लोगों को, तो जो बाकी के जो नए नेटवर्क इससे जन्म लेते हैं और इनकी जड़ें बहुत गहरी हैं, तो इन जड़ों को तोड़ने के लिए जैसे बेरोजगार महासंघ संगठन ने अब तक जो काम किया, उन्होंने एसओजी की मांग की, तो उस मांग पर सरकार ने नए कानून बनाया, नए कानून के तहत, और इनको जब अब पकड़ा जा रहा है तो जब इन पर अब इनको ज्यादा से ज्यादा संख्या में अब गिरफ्तारी इनकी हो रही है, तो इससे जो नए जो ग्रुप पनपने के उसमें है उन पे एक तो बंदिश लगेगी। ठीक है जी, हाँ बंदिश निश्चित रूप से लगेगी और उसी को लेकर उम्मीद करते हैं कि इन पर कार्रवाई जो सख्त हो, ताकि विभाग में जो लोग बैठे हुए हैं एक बड़ा मैसेज उसके जरिए जाए और जो लोग अंदर से सिस्टम से शामिल होते हैं वो वहीं पर रोकथाम करना जरूरी। एक दर्शक हमारे साथ मौजूद है आशुतोष जी, आपके पास आएंगे इस बीच, लोग भी हमारे साथ लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं। हंसराज जी हैं श्रीगंगानगर से। जी हंसराज जी, आप क्या बात रखना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहता हूँ भी ये एसओजी जो पकड़ रही है ये कांग्रेस के टाइम में भी हो रहा था, बीजेपी के टाइम भी हो रहा है, तो फिर ये एसओजी खुलासा कब करेगी? बार बार एक दूसरे पे आरोप लगाते रहते हैं तो ये फिर समस्या तो वही की वही है सर। नहीं, किस चीज का खुलासा चाहते हैं आप? खुलासा तो किया, जो पकड़ा गया जगदीश बिश्नोई उसने कहा कि वो 2005 से पेपर लीक कर रहा है, तो मतलब इससे पहले भी तो पकड़े गए हैं, उनका क्या हुआ? ठीक है, आप चाहते हैं उनकी उन पर कार्रवाई क्या होगी, यही चाहते हैं? कार्रवाई क्या हुई जो बस में पकड़े गए थे, सरेआम नकल चल रही थी, वो उनका क्या हुआ आज तक? ठीक है ठीक है, आपको आपका मतलब मैं समझ पाया, वो आपका कहना है कि कार्रवाई कब होगी, डिले नहीं हो। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े आशुतोष जी। वही दर्शकों के भी सवाल हैं, अगर दर्शक भी और मैं जानकारी दे दूं, 8178999201 ये हमारा नंबर है, इस पर आप सीधी अपनी राय रख सकते हैं पेपर लीक के मामले को लेकर। आशुतोष जी, जो जिस तरह से दर्शक ने भी कहा अभी कि जो पकड़े जाते हैं निश्चित रूप से सामने तो आ गए हैं कि फला आदमी पकड़ा गया, इतने करोड़ की प्रॉपर्टी मिली है, इस तरह से शामिल था, लेकिन जो एंड रिजल्ट निकलता है वो उस तरह से सामने नहीं आता है लोगों के सामने, कि ये बड़ी जो समस्या है, बड़ी बीमारी है जो लाखों बच्चों के साथ में, छात्रों के साथ में खिलवाड़ हुआ, उस पर एक पूरी तरह से मजबूती से शिकंजा कसा जा सके। जी जी बिल्कुल, आपने जो पहले भी मुझसे सवाल किया, माफी चाहूंगा कि आवाज ठीक से नहीं आ पा रही जी थी।
जो जो कानून है एंटी चीटिंग लॉज जो बनाया गया राजस्थान में, देखिए उसमें बहुत अमेंडमेंट किया गया 2023 में। जैसे हमने देखा कि उसको जो स्ट्रिक्चर्स जो है, पहले जैसे 5 साल के 10 साल का जो लाइफ इंप्रिजनमेंट था उसको अब जाकर के लाइफ 5 से 10 साल की जगह लाइफ इंप्रिजनमेंट तक का उसमें प्रोविजन बनाया गया है, और जो है 10 करोड़ तक का फाइन तक का प्रोविजन है। अब जहां तक ये सवाल है कि जो लोग पकड़े जाते हैं वो कहीं ना कहीं जाकर के उनको कुछ स्टे मिल जाता है कोर्ट से, या उनको कोई कोर्ट से रिलीफ मिल जाता है, देखिए इसमें मेरा यही कहना है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जो गिरफ्तार करती है ऐसे लोगों को, अगर वो जितने भी जो सबूत हैं जो एविडेंस हैं अगर उसको सही तरीके से पुख्ता तरीके से अगर उसको पेश किया जाए और केस को बहुत ही स्ट्रांग तरीके से अगर पेश किया जाए तो कोर्ट जो है इतनी आसानी से किसी को भी कोई रिलीफ नहीं देगा। जब कोर्ट रिलीफ तभी देता है जब हमारे पास पुख्ता सबूत नहीं होते, या हम किसी पर्सन को हम पूरी तरह से साबित कोर्ट में प्राइमा फेसी नहीं कर पाते कि इसने ऐसा क्राइम किया है। तो ऐसे मामलों में जहां बेनिफिट ऑफ डाउट जो है एक्यूज्ड को मिलता है, सिर्फ इस पर्टिकुलर इस तरीके के केसेस में नहीं बल्कि दूसरे क्राइम्स में भी जो है बेनिफिट कोर्ट देता है, ताकि जो है कोई इनोसेंट इसमें जो है इस कानून का शिकार ना हो, और जो जिन्होंने सही में ऐसा क्राइम किया है सिर्फ पनिशमेंट उन्हीं को मिले। जहां तक जो है सस्पेंशन का सवाल है, तो देखिए ये जो है कानून में अगर कोई भी अरेस्ट होता है ऑफिसर या गवर्नमेंट का कोई भी पदाधिकारी, तो अगर 48 घंटे के ऊपर का अगर अरेस्ट है तो जो है उनको जो है सस्पेंड कर दिया जाता है, जब तक कि कोर्ट जो है इसके अंदर कोई फैसला ना ले, या वो साबित ना हो जाए कि उन्होंने ये क्राइम नहीं किया है, या फिर कोर्ट उनको कोई रिलीफ ना दे दे सारे सबूतों को देखने के बाद। क्योंकि जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी किसी को अरेस्ट करती है या FIR रजिस्टर होता है, तो उसके बाद जी वो इन्वेस्टिगेशन करती है और सारे विटनेसेस का स्टेटमेंट लेती है और जितने भी सबूत हैं उसको इकट्ठा करती है और फिर एक चार्जशीट बनाती है, और चार्जशीट बना करके कोर्ट में प्रोड्यूस करती है। अब उस चार्जशीट में इस तरीके के एलिगेशन है, देखिए एलिगेशन एक होता है, और एलिगेशन को साबित करने के लिए या उसको सपोर्ट करने के लिए जो सबूत जो लगाए गए हैं, जो डॉक्यूमेंट्स लगाए गए हैं, जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो बनाया गया है वो कितना पुख्ता है, वो कितना इस बात को जो है सपोर्ट करता है, वो जरूरी है। देखिए कानून तो सख्त है हमारे पास ऑलरेडी, लेकिन कानून सख्त होने से ही सिर्फ नहीं होगा, इसमें मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो भी इसको इन्वेस्टिगेट करने वाली एजेंसी है, चाहे वो पुलिस हो, या किसी किसी मामले में अगर बड़ा मामला बन जाए जहां पे बड़ी सिंडिकेट का मामला हो, वहां पे कोई सेंट्रल एजेंसी अगर CBI कर रही हो जी या CID कर रही हो, तो वो किस तरह से इन्वेस्टिगेशन को करके और सामने सबूत को पेश करती है, ताकि कोर्ट को बहुत ही क्लियर हो जाए कि ये जो एक्यूज्ड है, जो आरोपी है जिसको पकड़ा गया है, जिसके ऊपर हाँ आरोप है, ये प्राइमा फेसी बिल्कुल दिखता है कि इसने इस तरीके का क्राइम किया है, तब कोर्ट ऐसे मामलों में रिलीफ जो है नहीं दे पाएगी। क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का जो काम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि जो इस तरीके के मामलों में जो सिंडिकेट है वो कितने ऊपर तक जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो बड़े बड़े लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं जिसके वजह से जो है बेनिफिट मिल जाता है, जो हमारे जो बाकी के जो आरोपी जो अरेस्ट होते हैं उनको इसका बेनिफिट मिलता है क्योंकि ऊपर से उनके ऊपर हाथ होता है। तो ये सब भी जो सिंडिकेट है इसको देखना बहुत जरूरी है। और जहां तक ये चीटिंग का मामला है, पेपर लीक का मामला, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे देश के लिए, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि हमारे जितने भी यंगस्टर्स हैं, जो हमारा यूथ है, जो हमारा आगे की जो पीढ़ी है, उस सब उनका जो पूरा करियर, उनका फ्यूचर जो है इसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। बिल्कुल। और तो अर्शा जी जो है सबसे जी अर्शतो जी सबसे बड़ी बात यह है कि जो जांच में निकल कर आया वो सिर्फ अब किसी एक गिरोह तक शामिल नहीं है, पूरा सिस्टम इसमें किस तरह से तार जोड़ करके इस वारदात को, इस नेक्सस को अंजाम दे रहा है अपराध को, छात्रों के खिलाफ, वही छात्र जो देश का भविष्य है और सिस्टम में आने वाले हैं वही लोग। और खासतौर पर आपने एजेंसी का जिक्र किया, निश्चित रूप से विभागीय कार्रवाई को भी नहीं भूला जा सकता, वो कितनी पुख्ता है, वो कितनी मजबूती से केस उस कर्मचारी के खिलाफ रख रही है, उससे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जांच को भी बड़ा बल मिलता है। आप रहिएगा हमारे साथ, बहादुर सिंह एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं अभी अपनी बात रखने के लिए। जी बहादुर जी रखिए अपनी बात। विद्या सागर एक और कॉलर है हमारे साथ, वो भी अपनी बात रखना चाहेंगे। जी जी नमस्कार सर, विद्यासागर फ्रॉम सवाई माधोपुर। जी जी नमस्कार। जी 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 सर, मैं इस बारे में ये कहना चाह रहा हूँ कि हर आदमी तो पैसे वाला नहीं हो सकता। तो नमस्ते सर, जो हर आदमी तो पैसे वाला नहीं हो सकता,
गरीब माता पिता होते हैं इसी उम्मीद में कि उनकी संतान कोई अच्छी और सफल बने। तो सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो कई बार तो ऐसा होता है कि वो अपनी जमीन मकान वगैरह बेच के भी और वो अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। तो यहाँ मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि नेकी इनकी जो नेक्सस जो ये काम करता है राजनेताओं के संरक्षण में ज्यादातर, तो नेकी इनकी ये जो संपत्ति होती है उसको जब्त किया जाए और संपत्ति के अलावा जो भी इन्होंने किया है वो सब वसूला जाए और लाइफ लॉन्ग वो उसको वापस नहीं ले सके या कोर्ट या किसी भी तरीके से। साथ ही इनका जो सामाजिक रूप से बहिष्कार किया जाए और गवर्नमेंट की तरफ से उनको एक तरह से इस तरह से रेस्टिकेट कर दिया जाए कि वो इन फ्यूचर कोई भी इस तरह का ना करे। साथ ही सिस्टम के अंदर या कानून के अंदर ऐसा अमेंडमेंट किया जाए कि उनकी जमानत भी नहीं हो फिर से, ठीक है, वो कोई और अपराध कर सके। ठीक है, बड़े बड़े अहम सुझाव आपके, हमारे एक्सपर्ट से चर्चा करेंगे। ग्वाला साहब मैं आपके पास आना चाहूंगा, जिस तरह से दर्शक ने अभी बात रखी कि जो आपने भी सुना, क्या वाकई आप इस बात से इत्तफाक रखते हैं कि जो पनिशमेंट है वो कड़ा हो, जमानत के प्रावधान इतने ढिलाई नहीं हो और इस तरह की नज़ीर पैदा की जाए सिस्टम के जरिए और कोर्ट्स के जरिए भी, ताकि दूसरे लोगों में एक बड़ा थ्रेट परसेप्शन डिटरेंस इसको लेकर के बने। एक बिंदु मैं और ऐड करना चाहूँगा, जो दर्शक ने भी बात रखी अभी साथ ही में, कि जो ये आरोपी पकड़े जा रहे हैं, जिस तरह से राजेंद्र यादव शिक्षक पकड़ा गया, हर्षवर्धन, इनके ना सिर्फ ये बल्कि इनके फैमिली मेंबर्स भी सिस्टम के भीतर हैं, किसी की भाभी सरकारी नौकरी में है, किसी की पत्नी, किसी का बच्चा। और निश्चित रूप से क्या आपको नहीं लगता कि ये जब खुद पेपर लीक में शामिल है तो ये उनको भी इस तरह से ही सिस्टम के भीतर लेकर आए होंगे? क्या इस पर भी बड़ी जांच होनी चाहिए और कितने लोगों को इन्होंने सिस्टम के भीतर इस तरह से एंट्री दिलाई है? बिल्कुल, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि जो ये लोगों ने जितने लोगों को एंट्री दिलाई है, एसओजी में जो अभी अधिकारी काम कर रहे हैं वो बहुत काबिल है, मुझे पता है उस अधिकारी के बारे में। और एक मिशनरी हैं, पर मेरा ये कहना है कि वंस फॉर ऑल, जब एक बार आप ये काम शुरू कर दिया है और इसकी जड़ तक जाने के लिए ये जरूरी है। जो नेक्सस के जो परिवार के सदस्य हैं वो तो मुलजिम है ही, वो तो 120 बी के मुलजिम है, वैसे भी मुलजिम बनते हैं कानून में, मुलजिम है वैसे। अब और मैं नहीं समझता कैसे जी उनको छोड़ेगी, जो भी अगर साबित होगा नकल करवाना, चाहे सरकारी नौकर है, सरकारी नौकर नहीं भी है, क्यों हर आदमी सरकारी नौकर होना जरूरी नहीं है जी। और ये जो जो इसका लॉजिकल एंड मैंने बताया कि जो इसके लिए एक सबसे बड़ी बात है कि मैं तो ये कह रहा हूँ जैसे दूसरे केसेज में हो रहे हैं, नकल माफिया इतना बड़ा हो चुका है तो उसके लिए डेडिकेटेड कोर्ट होने चाहिए राजस्थान के अंदर, जो इनको स्पीडी ट्रायल करे उनकी, और स्पीडी ट्रायल कर डे टू डे ट्रायल हो उनको, और जल्दी जल्दी उसके अंदर उस केस का निस्तारण हो, क्योंकि 10 साल बाद में न तो गवाह मिलते हैं, न डॉक्यूमेंट्स कुछ उस ढंग के रहते हैं, न उस कोर्ट का बाद में फॉलोअप होता है जी। स्पीडी ट्रायल के लिए अलग से डेडिकेटेड कोर्ट होने चाहिए और इनका लॉजिकल जो जो भी जो इसका अंत हो वो बिल्कुल वैसा हो, फास्ट ट्रैक अंत हो और बड़ी बड़ा डेडिकेटेड। बड़ा अहम सुझाव है आपका, निश्चित रूप से जो मौजूदा सरकार है उसको भी, भजनलाल सरकार है, और ना सिर्फ राजस्थान बल्कि दूसरे राज्यों को भी इस पर इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, जो चीटिंग एक बड़ा क्राइम बनते जा रहा है। कानाराम, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े जी, रखिए अपनी बात, क्या आपका ओपिनियन है? मेरा सर ऐसा है कि मैं ये चाहता हूं कि जो ये इनके जो इसमें इन्वॉल्व है ना, इनकी जमानत नहीं होनी चाहिए जी, इनकी जमानत नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है, इसको कहीं तक जानी चाहिए कितने आदमी का भविष्य इन्हें अंधकार में डाला है। तो ये मेरा तो सुझाव यही है। दूसरी बात, भजनलाल सरकार में आपने जो ये बढ़िया काम किया है वैसे तो ठीक है, मैं तो ये देता हूँ। ठीक है सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। एक हाकिम सिंह भी हमारे साथ इस वक्त पर एक कॉलर मौजूद है जी। हाकिम जी, रखिए अपनी बात जल्दी से। हाँ सर, मैं ये निवेदन कर रहा हूँ जी कि जी रखिए जी, आवाज आ रही है, बताइए। ये सर के जो ये फायदा ले चुके हैं ना इन पेपर माफियाओं से जी, उनका क्या होगा? ठीक है, जो फायदा ले चुके हैं सर ये पेपर जो आउट किए हैं, हाँ, तो उनका क्या होगा सर? उनको भी कुछ मिलना चाहिए पनिशमेंट।
ठीक है ठीक है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिन लोगों ने पेपर लीक के जरिए फायदा उठाया उनको भी पनिशमेंट मिलना चाहिए, निश्चित रूप से एक सवाल है। आशुतोष जी 30 सेकंड में आपसे जानना चाहूंगा, जो दर्शकों का सवाल है ये वाकई काफी लोगों का सवाल होगा कि जिन लोगों ने पेपर लीक के जरिए फायदा उठाया, जो ग्वाला साहब से भी बात कर रहे थे, उन तक भी पहुंचकर एक पनिशमेंट तो क्रिएट करना पड़ेगा। जी देखिए, जो मैंने अभी सुना कि एक और जो हमारे कॉलर थे भाई साहब थे, उन्होंने ये बोला कि जमानत नहीं होनी चाहिए, उन्होंने ये पॉइंट को भी रखा। तो देखिए कि बहुत सारे जो ऑफेंसेस होते हैं वो ऑलरेडी नॉन अवेलेबल होते हैं, गैर जमानती होते हैं, लेकिन उसमें जो बेल देने का पावर होता है, जो जो डिस्क्रिशनरी पावर होता है, वो कोर्ट का होता है, कंसर्न्ड कोर्ट का। और जो मैंने बताया कि अगर कोर्ट के पास पुख्ता सबूत नहीं है किसी के अगेंस्ट में, तो कोर्ट उसको इनोसेंट ही समझता है जब तक कि वो गिल्टी प्रूव ना हो जाए। तो ऐसे मामलों में जहां कोर्ट के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, कोर्ट जो है बेल देने के लिए जो है उसके पास कोई दूसरा रास्ता कोर्ट के पास बचता नहीं है, और इसलिए जो है कोर्ट जो है बेल देने पे मजबूर होता है। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन सही डायरेक्शन में हो और सही आदमी को पकड़ा जाए और सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके अगर सारे रिपोर्ट को सबमिट किए जाए, एविडेंसेस लगाए जाए, तो जमानत मिलना इतना आसान नहीं होगा, बहुत ही मुश्किल होगा। हम देखते हैं कि कितने सारे मामलों में जो है ना ट्रायल कोर्ट जो है बेल देता है, ना हाई कोर्ट देता है, ना ही सुप्रीम कोर्ट देता है, ऐसे मामलों में जहां पर बिल्कुल ही क्लियर एविडेंसेस दिख रहे हैं किसी एक्यूज के खिलाफ। जी। और जहां तक देखिए जो एग्जामिनेशंस जो हो रहे हैं, जो गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं, उसमें बहुत सारे जो हमारे इनोसेंट जो भाई होते हैं, बहनें होती हैं, जो जाकर के एग्जाम्स देते हैं, किसी को टीचर बनना होता है, किसी को डिपार्टमेंट में रिक्रूट होना होता है, अब इस तरह से जो चीटिंग का जो मामला आता है, पेपर लीक का मामला आता है, तो पूरे एग्जाम को जो है कैंसिल रद्द होना पड़ता है। निश्चित रूप से उनकी उनकी तैयारी पर फर्क पड़ता है, और वो लोग जो सिस्टम के भीतर आए चीटिंग के जरिए, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, दर्शकों का कहना है। बहुत शुक्रिया ग्वाला साहब और आशुतोष जी, आप हमारे साथ जुड़े। हरिंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मंथन में आज इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।